असलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका? तो ये भी टाइम हो चुका है जी सुबह का। तो सुबह को आके जिसने कि मेरे हाथों को बताया था कि सुबह को हम करेंगे सफाई जो है वो मैंने कंप्लीट अच्छी तरह कर दी है। जो जितना भी कचरा था सारा उठा दिया है और मैं इस वक्त इतना ज़्यादा थक गया क्योंकि जो कचरा था ना वो इतना ज़्यादा साथ जुड़ा हुआ था। फुल जान लगा के अपना जोर लगा के उसको साथ से खुरचा है और खुरच के उसको मैंने साफ़ किया है, उखाड़ा है, उखाड़ के उसके बाद उसको जगह पर इकट्ठा किया है और डाला है और तकरीबन दो चीज़ें मेरी जो हैं वो कचरे से भर गई हैं। तो खैर अभी मैंने दोबारा पट्टे पहले तो मैंने बाहर फेंक दिए थे, दाना भी बाहर फेंका था तो लेकिन रैबिट्स बाहर खाने नहीं थे जा रही है, डर रहे थे। तो फिर मैंने ना सफाई के बाद दोबारा फिर पट्टे जो हैं वो अंदर ही फेंक दिए हैं। बाकी जो अपना वो कॉर्नर है वो भी साफ़ किया है। वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ना हम अपने रैबिट्स के लिए ना मटकी और पाइप लगाएँ। ये जो कैन है ये यहाँ से उठा दी जाएगी, ये जो है ये कचरा बना रही है तो इसको हम कर देंगे यहाँ से साफ़। तो खैर अभी चलता हूँ बाहर जाके पानी लेके आता हूँ और मैंने अपने लबर्ड्स को भी पानी डालना है तो इनको भी पानी डालते हैं। तो उसको डालने के बाद थोड़ा सांस ले लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी पानी जो है वो मैंने दिया है डाल, इनका भी सारा पानी जो है डाल दिया है। जो दाना वगैरह काम था जिसका उसको दाना भी डाल दिया है, खुद भी जाके मुंह वगैरह धोया है, अच्छी तरह सफाई वगैरह की, अपने हाथ वगैरह वॉश किए हैं। तो खैर अभी दाना जो है सबको डाल दिया, चीज़ें वगैरह जो अंदर रख दी हैं। तो अभी ये है कि ये खाना वगैरह खाएँ। तो अभी मैंने ना पानी नीचे फेंका, पहले मैं चाहता था कि पानी छिड़क दूँ, फिर मैंने कहा यार अंदर ना कहीं सर्दी ना हो जाए और जगह ठंडी होने की वजह से ये बीमार ना हो जाए, उस वजह से ना फिर मैंने पानी नहीं फेंका। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत हो ही गई है ना सफाई, ये थोड़ा बहुत जो है काम ये इतना तो अब रहना ही है, जब एक जगह पर एक चीज़ें रह रही हैं तो इतना कचरा तो यहाँ पर रहता ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस कचरे को भी ख़त्म कर लेंगे। तो खैर अभी चलते हैं नीचे जाके करते हैं नाश्ता, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो जी भी टाइम हो चुका है जी रात का, तो जैसे कि आपको पता है रात का टाइम होता है खाने का। तो खाना जो है वो हमने दिया है दाल, पट्टे जो है वो भी डाल दिए हैं। इनको तो जो मैं था सुबह टाइम इनको डाल दिया था, इनका जो है बाकी मैंने चेक किया था इनके पास खाना था तो इनको भी डालने की जरूरत नहीं है, इनको हम कल को ही डालेंगे। पानी जो है उनका चेंज कर दिया गया है, इनको भी पानी जो है वो डालना है। तो अभी चलते हैं बाहर और जाके पानी लेके आते हैं। और जी पानी से पहले जो हमारा काम था जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि हमने रखना है अपने डक्स का नाम, तो मैंने गूगल से काफ़ी नाम निकाले थे, बहुत ज़्यादा नाम थे, मुझे तो समझ ही नहीं थी यार मैं रखूँ कौन से। बड़े मुश्किल करके मैंने तीन नाम सोचे क्योंकि तीन ही अपने हैं, तो मैंने उनके हिसाब से तीन नाम सोचे हैं। जो अपना ये वाइट वाला है इसका तो हमने यही सोचा कि हमने इसका नाम रखना है डैफी, जो कि अपना एक कार्टून से लूनी टोन्स उसके अंदर वो था, ब्लैक कलर का होता है, उसका नाम डैफी था, वो काफ़ी शरारती होता है तो हम इसका नाम डैफी रखेंगे। उसके अलावा जो अपना ये वाला है वाइट और ब्लैक इसका नाम हम रखेंगे एशले, और ओहो और जो ये वाली है इसका नाम हम रखेंगे लुई। एशले और लुई जो है वो हैं डिज्नी के कार्टून्स हैं डिज्नी चैनल के, और जो दूसरा है वो मेरे को बताया वो लूनी टोल्स है। तो उस हिसाब से हमने इन तीनों के नाम रख दिए हैं। और ये देखें इसकी ना और इसकी, इन दोनों किस्से की लड़ाई चल रही है जो बार बार ये लड़ रहे हैं। तो बाकी आपने बताना है कि अगर ये तीनों नाम आपको कैसे लगे हैं, अगर और भी आपने कोई नाम सजेस्ट करना हो तो बता देना, वरना ये है कि हम ये तीन जो नाम है हम उस हिसाब से इनका नाम एडजस्ट कर देंगे। तो खैर अभी चलता हूँ बाहर आके पानी ले आता हूँ। तो जी पानी जो है वो मैंने दिया है डाल, तीनों को डाल दिया है ऊपर नीचे और इनको, और इन्होंने अपना जो है ना ये छिलका जो है वो भी शायद जो है वो भी फेंक दिया है बाहर निकाल के। तो अब ये है कि ये मैं उठा के बाहर फेंक दूँगा तो अपनी ये मुर्गियाँ वगैरह जो है ना ये खा लेंगे। दूसरा अपने दोबारा नाम मैं आपको बता दूँ, ये है डैफी, ये है एशले और ये है लुई, ये तीन नाम है। तो अब हम ये है कि इन तीनों को इसी हिसाब से ही बुलाया करेंगे। बाकी जो अपने रैबिट्स हैं इनका भी कोई ना कोई सोचते हैं कि इनका हमने क्या नाम रखना है, इनका भी ज़रा ढूंढते हैं तो उसके बाद फिर देखेंगे अपने बाकी परिंदों का भी हम नाम रखने हैं, कैसे रखने हैं और क्या हिसाब किताब है उस हिसाब से फिर हम उनको भी देख लेंगे। तो जब मैं ऊपर गया था ज़रा बेबी को देखने के लिए पैरट्स के, तो मैंने देखा कि उसके ना पाँव में से रिंग ही निकल चुका था, हालांकि कल था रात तक था रिंग, लेकिन अब मैंने देखा तो उसमें रिंग था नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ढूंढा, अंदर ही पड़ा हुआ था, मुझे यह था कि बनी खा गए हैं। तो वैसे खा नहीं होता था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है, इनके फेस मुँह के हिसाब से गले के हिसाब से बड़ा तो खा नहीं होता था, तो वो साइड में फंसा हुआ था। फिर मैंने निकाला, निकाल के दोबारा उसको पहना दिया है। तो अब देखते हैं सुबह को दोबारा आकर देखूंगा, अगर फिर निकला होगा ना फिर हम उतार के रख लेंगे, फिर एक से दो दिन के बाद दोबारा पहनाएंगे। क्योंकि मसला ये होता है कि अब मैं पहना रहा हूँ वो अभी भी मुझे काट रहा है, तो जिसने इसने दिन भरने हैं ना इसने उसने ज़्यादा काटना शुरू करना और फिर पहनाना मुश्किल हो जाता है। तो खैर इसलिए हम ज़रा टाइम से पहनाते रहेंगे ताकि हमें बाद में तंगी ना हो। बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को तो शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।